नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में थकान दूर करने के उपाय मेजर टू रिलीफ फ्रॉम फटीक विषय पर बात करने जा रही हूँ। इससे पूर्व के जो वीडियो थे बच्चों, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट पार्ट 1 और 2 थे, 2 में हमने थकान की शुरुआत की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि थकान किसे कहा जाता है, थकान के क्या कारण होते हैं और थकान कितने प्रकार की होती है। हमने वहां समझा था कि थकान या तनाव कार्य की स्थिति की प्रतिक्रिया के अनुसार होती है, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी अब क्या स्थिति है, उसकी प्रतिक्रिया जो हो रही है आपके ऊपर, उस अनुसार थकान का होना न होना होता है, जिसे व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप में महसूस करता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। थकान सामान्यतः व्यक्ति द्वारा निर्धारित मांग को पूर्ण करने का अपर्याप्त रूप होता है, यानी कि उसके जो निर्धारित लक्ष्य हैं, जो निर्धारित मांग है, अगर वो पूरी हो जाती है तो व्यक्ति की थकान जो है वो नहीं होती है या बहुत कम होती है। परंतु जब वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो उसको थकान जो है वह फील होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं इस थकान को दूर करने के उपाय के बारे में। थकान दूर करने के उपाय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि थकान जो होती है वह जब किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल और योग्यता की कमी हो तो इस कारण से व्यक्ति को थकान महसूस होती है या थकान उत्पन्न होती है। तो आज हम इस थकान को दूर करने की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजों को हम ध्यान में रखकर उस परसेंटेज को कम करें या थकान को न होने दें। तो फर्स्ट उपाय है प्रेरणा की भूमिका या रोल ऑफ मोटिवेशन। दूसरा उपाय है विश्राम काल या रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट है बच्चों कार्य में परिवर्तन या चेंज इन वर्क। नेक्स्ट उपाय है थकान को दूर करने का बच्चों शारीरिक मुद्रा एवं उचित स्थिति को अपनाना, यानी बॉडी का जो पोश्चर है वह सही हो। नेक्स्ट है कार्य में कौशल विकसित करना, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कौशल को उत्पन्न किया जाए या विकसित किया जाए, यानी स्किल डेवलपमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों थकान दूर करने में कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि कार्य के लिए इंटरेस्ट को डेवलप करना। लास्ट पॉइंट है समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना। हमें ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की शक्ति भी बचे और साथ में उसका टाइम भी सेव हो। तो इस तरह के जब उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है तो व्यक्ति को थकान कम होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रेरणा की भूमिका या रोल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। कार्य करने में यदि व्यक्ति अरुचि रखता है तो उसे कार्य के लिए प्रेरणा देकर उस कार्य को शीघ्रता एवं सफलता से पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि थकान दूर करने में प्रेरणा या उत्प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि बच्चों जब प्रेरणा का स्तर किसी भी व्यक्ति का निम्न होता है तब व्यक्ति को कार्य के प्रति अरुचि और घृणा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति काम को ठीक प्रकार से या ठीक तरीके से सही समय पर नहीं कर पाता है और उसे जल्दी ही थकान हो जाती है। अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हम देखते हैं बच्चों कि जब प्रेरणा का स्तर या मोटिवेटिंग जो फैक्टर है उसके साथ वो उच्च है तब वह पर्याप्त शक्ति व्यय होने पर भी थकान को जल्दी से फील नहीं करता है
और काम को जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेयर, उनके अनुसार किसी कार्य को करने के लिए कितनी शक्ति प्राप्त होगी यह उस बात पर निर्भर करती है कि प्रेरणा का स्तर क्या है। अगर वो स्तर उच्च है तो वो व्यक्ति जो है उस कार्य को पूर्ण शक्ति से करेगा और उसका जो कार्य है वो समय पर पूर्ण हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा और उसको थकान भी नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। विश्राम काल या रेस्ट पीरियड। कार्य सरलता से करने के लिए एवं कार्य को रुचिकर बनाने के लिए बच्चों बीच बीच में विश्राम किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ समय रुचिकर या व्यक्तिगत कार्य कर विश्राम कर लेने पर वापस से कार्य करने के लिए व्यक्ति में एक स्फूर्ति मिलती है या स्फूर्ति पैदा होती है ना। तो अगर व्यक्ति बीच बीच में विश्राम कर लेता है तो कार्य को किया जाना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी कि थकान दूर करने का सबसे सरल, सुगम एवं प्रभावी उपाय होता है विश्राम करना। कार्य सरलता से करने के लिए एवं कार्य को रुचिकर बनाने के लिए बीच बीच में विश्राम किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट उपाय है बच्चों कार्य में परिवर्तन या चेंज इन वर्क। लगातार एक ही प्रकार के अगर व्यक्ति कार्य करता रहता है तो ऐसे में व्यक्ति को नीरस थकान हो जाती है और उस काम में उसका मन नहीं लगता है, यानी उसका जो मन है उस काम से ऊब जाता है या उठ जाता है। यदि कार्य में परिवर्तन कर दिया जाए तो थकान जो होती है बच्चों वह स्वतः ही दूर हो जाती है। यानी कि अगर हम थोड़ी देर पहले जो है कुकिंग कर रहे थे और कुकिंग करते 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 आप थोड़ा सा थक गए हैं और आपको वॉक करनी है थोड़ी सी, तो अगर आप जाके थोड़ी सी देर 5 मिनट वॉक कराते हैं या आप किस तरह की कुकिंग कर रहे थे, आप फ्राइंग करते हुए थक गए हैं तो उसको कंप्लीट करके आप कटिंग या चॉपिंग का काम करने लग गए हैं तो भी आपकी जो थकान है वह कम हो जाती, क्योंकि आपने पर्टिकुलर वर्क में परिवर्तन ला दिया है। यानी कार्य में परिवर्तन करके भी हम थकान को दूर करते हैं। जैसे कई बार बच्चों आप करते होंगे कि एग्जाम के दिनों में लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ाई करने से भी आपको दिमाग नहीं लग रहा है उस पढ़ाई में, क्योंकि आपको मेंटल थकान आ रही, फटीक आ रही है उस समय पर। तो आप बीच में 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए टीवी देख के आते हो, है ना, या फिर कोई मैगजीन पढ़ने लगते हो, रेडियो सुनने लग जाते हो, या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट डॉग्स हैं तो आप उनके साथ थोड़ी देर खेलने लग जाते हो। यानी कि आपने अपने वर्क में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और वापस से आप अपनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ने बैठ जाते हो। नेक्स्ट है बच्चों उचित शारीरिक संस्थिति व मुद्रा, यानी करेक्ट एंड प्रॉपर बॉडी पोस्चर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो थकान मिटाने के लिए या हम ये कहें कि हमें थकान कम आए उसके लिए उचित शारीरिक स्थिति का होना बहुत जरूरी होता है। शरीर एवं मांसपेशियों का उचित उपयोग होना बहुत आवश्यक है। अधिकांश थकान हड्डियों एवं मांसपेशियों के अनुचित प्रयोग या उपयोग के कारण ही होती है। थकान मिटाने में उचित एवं सही शारीरिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मांसपेशियां हड्डियों के अनुचित प्रयोग से व्यक्ति को थकान शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बच्चों इस पिक्चर में समझाया हुआ है कि एक जो लड़की है वो कपड़े को सुखा रही है, यानी वस्त्र को डोरी पे सुखा रही है। अगर हमारी बकेट इस ऊंचाई पर है तो आप जो कपड़े सुखाएंगे उस कपड़े सुखाने में आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा इस पिक्चर की तरीके से। तो इस लड़की को जिसकी की बकेट राइट हाइट पे है थकान कम होगी जब हम कंपेयर करेंगे उस बच्ची से या उस लड़की से जिसे की बार बार जमीन पे रखी हुई बकेट में से कपड़े
निकाल के और फिर ऊपर की तरफ सुखाने हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर का जो पॉस्चर है या हमारे शरीर का जो बोले स्थिति है, जिसमें कि हम किस तरीके से अपनी मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं तो थकान जो है वह कम होती है। सेम इसी तरीके से सिंपल एग्जाम्पल होता है बच्चों कि आप बर्तन जमाते हैं, अगर आपको फर्श से उठा के बार बार ऊपर की तरफ की जो रैक से उसमें जमाने हैं तो आपको थकान जो होती है वो ज्यादा फील होती है। परंतु वही बर्तन जो हैं आपने एक साथ ऊपर की तरफ कहीं रख दिए स्टैंड पे और फिर आप रैक्स में जमा रहे हैं तो आपको थकान कम फील होती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि शरीर के जो अंग है वह गुरुत्वाकर्षण की सीध में रखकर काम कर रहे हो आप, है ना? तो आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, बार बार ऊपर रखना पड़ रहा है, तो इस कारण से आपको थकान अधिक फील होगी। नेक्स्ट है कार्य में कौशल विकसित करना है, यानी कि डेवलप वर्क स्किल। जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी कार्य में जो आप कर रहे हो उसमें कौशल है, निपुणता है, तो आपको थकान जो है वो नहीं होगी। या हम यूं कहें कि कार्य में कौशल और निपुणता विकसित करके भी थकान को आसानी से हम हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब व्यक्ति को कार्य करने का सही तरीका मालूम नहीं होता है या रहता है, अथवा लक्ष्य उसके स्पष्ट नहीं होते हैं, तब व्यक्ति को शीघ्रता से थकान आ जाती है। नेचुरल सी चीज है बच्चों कि अगर आपको किसी भी कार्य करने को, आपको सिलाई करने को कह दिया है, आपको उसमें निपुणता नहीं है, आप उसका आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आपको उसको करने में टाइम भी लगता है, साथ में बार बार आपकी गलती भी होती है, तो आपको थकान जो है वह जल्दी से आती है और आपको उस बात पे गुस्सा भी आता है। तो आपको फिजिकल थकान के साथ मेंटल थकान भी आती है। परंतु आप निरंतर अभ्यास करते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं और उस कार्य में कुशलता पा लेते हैं, वो स्टिचिंग जो है आपने पहले, क्योंकि पहले स्किल डेवलपमेंट नहीं था उस वर्क में, उस कंपैरिजन में जब आपने स्टिचिंग की प्रैक्टिस कर ली है या उसका कोई कोर्स कर लिया है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है और थकान को कम उत्पन्न होने देता है। अतः कार्य को संपन्न करने के लिए नवीन विधि एवं कौशल विकसित कर लेने से कार्य करने की रुचि बढ़ जाती है और थकान का अनुभव नहीं होता है। नेचुरली आप किसी में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों या कौशल का विकास कर रहे हैं, तो आपकी रुचि भी साथ में बढ़ गई है और जिस काम में आपकी रुचि होगी उस काम को आप आसानी से कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रुचि के ऊपर ही है, जिसकी कि हम बात कर रहे थे कि अगर किसी गृहिणी की या महिला की या व्यक्ति की किसी कार्य में रुचि है तो उसे थकान नहीं फील होती है या ना के बराबर फील होती है। यानी कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, डेवलप इंटरेस्ट इन वर्क। यानी कार्यों में रुचि जागृत करने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। नीरसता को दूर करने के लिए, यानी अगर आप बोर हो रहे हो काम करते करते, उसके लिए मनोरंजन वीडियो और पत्रिकाओं को पढ़ा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। यानी स्वयं प्रयोग कर उपयुक्त विधि को खोजना चाहिए, जो आपको अधिक संतोष दे रहा है उस विधि का प्रयोग कर हमें थकान को दूर करना चाहिए या थकान को आने ही नहीं देना चाहिए। यानी कार्य के प्रति रुचि को जागृत करना एक बहुत ही आवश्यक चीज होती है। अभी हमने कहा कि जब व्यक्ति जो है किसी चीज में कौशल विकसित कर लेता है तो उसमें कई बार रुचि भी डेवलप हो जाती है, और उसमें सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था स्टिचिंग का। इसी तरीके से किसी किसी को हो सकता है कि भोजन बनाने में इंटरेस्ट आता है, उसमें भी पर्टिकुलर किस टाइप का फूड है वो, है ना? किसी को चाइनीज बनाना पसंद आता हो, तो किसी को इटालियन फूड बनाना पसंद आता हो, किसी को नॉर्थ इंडियन फूड आता हो बनाना पसंद, तो किसी को साउथ इंडियन फूड बनाना पसंद आता हो। पर अगर आप अपनी रुचि जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर डेवलप करेंगे तो बच्चों आपको कभी भी थकान फील नहीं होगी, या होगी तो ना के बराबर होगी।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग। समय और शक्ति दो ऐसी चीजें हैं, अगर ये किसी भी कार्य को करने में कम लगती है तो व्यक्ति को थकान भी नहीं होती है या ना के बराबर होती है। नेचुरल है बच्चे, अगर आप कोई काम कर रहे हैं जैसे कि एग्जांपल दें कुकिंग का, है ना, आपने आटा लगाने में कौशल डेवलप कर लिया है, रोटी बनाने में, सेकने में कर लिया है ना, तो आप जो पहले काम कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आप जो बाद में रोटी बनाओगे तो आपको समय भी कम लगेगा और साथ में एनर्जी भी कम लगेगी। पर इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं उपकरणों का प्रयोग करके समय और शक्ति को बचाने की, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें कि हम इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं उसी सेम एक्टिविटी को करने में। तो अगर हम इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे तो नेचुरल है वो जल्दी काम होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी, यानी समय की भी बचत होगी और शक्ति की भी बचत होगी। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से करता है तो उसे जल्दी थकान उत्पन्न हो जाती है। मसालों को अगर मिक्सर में पीसते हैं तो गृहिणी को थकान नहीं होगी, है ना बच्चों। धनिया जो है या हल्दी जो है गट्टी पे पीसा जाए और एक मिक्सी में पीसा जाए, या जो बड़ी बड़ी मिक्सियां आती है जिसे कि आप चक्की वर्ड यूज करते हैं उसमें पीसा जाए तो थकान नहीं महसूस होती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है वो कपड़े हाथ से धो रहा है उसकी बजाय दूसरा व्यक्ति जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है, और आजकल तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, तो उनको थकान नहीं के बराबर होती है। यानी अगर हम अपने कामों को करने के लिए समय शक्ति बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो थकान है उसका परसेंटेज जो है वो जीरो की तरफ चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने देखा कि थकान दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, और हम अगर हमारे रूटीन में इनको काम में लाएं तो थकान व्यक्ति को, गृहिणी को या किसी भी काम करने वाले को महसूस नहीं होगी या ना के बराबर होगी। इसके साथ ही आज का जो ये विषय है वो यहीं पर समाप्त। थैंक यू बच्चों।